हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज का डे है 2020 नवंबर 20 तारीख। आज के डे पे यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, जो कि चिल्ड्रंस के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये होता है। ये 1954 से हर साल मनाते आ रहे हैं यूनाइटेड नेशन के ओर से। तो आज का हमारा टॉपिक है जो हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, पूरा डिटेल्स में जानेंगे, ब्रिक्स। आज के डेट में आप न्यूज़पेपर में और न्यूज में देखते होंगे कि ब्रिक्स के समिट के बारे में ज़्यादातर चर्चाएं हो रहा है। हालांकि ये देखेंगे कि एक्चुअली ये ब्रिक्स है क्या। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि हम ब्रिक्स के बारे में जानने से पहले उसका कुछ बैकग्राउंड जानते हैं, इसमें भी मैं वही करूँगा। तो एक्चुअली ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स हमारा पांच देशों का समूह है। पांच देशों का समूह अगर हम देखेंगे, पहला बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रूसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। एक्चुअली ये ब्रिक्स ऐसा था नहीं। अगर हम देखेंगे इसके बैकग्राउंड में जाकर अगर देखेंगे, पहले ये जो था ये ब्रिक था, BRIC, मतलब कि साउथ अफ्रीका इससे अलग था। और जो कि साउथ अफ्रीका जब ऐड हुआ वो था हमारा 24 दिसंबर 2010 को साउथ अफ्रीका यहाँ पे मिल गया, जो कि पहले अगर देखते हैं 2008, 2009, 2010 ये तीनों वाला जो तीनों ब्रिक समिट था ये चार कंट्री के बीच ही हुआ था, जो कि ब्रिक बोला जाता था। 2011 से ये 5 मेंबर ब्रिक समिट पहली बार हुआ, 2011 से 5 मेंबर ब्रिक समिट पहली बार हुआ। लेकिन 2009-10 ये जो दोनों ब्रिक समिट था, ये ब्रिक भारत हमारा ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना, ये चारों कंट्री के बीच होता था। 2011 से साउथ अफ्रीका ऐड हो गया। तो पहला हमारा ब्रिक समिट कहाँ हुआ था, जो कि हमारा 16 जून 2009 को पहला ब्रिक समिट रसिया में हुआ था, यकेरिन बर्ग, यहाँ पे जो बोलते हैं कि हमारे पहला ये समिट हुआ था कि ब्रिक समिट था उस वक्त। दूसरा 2010 में हुआ ब्राजील में, तीसरा हमारा चाइना में। ये जो तीसरा वाला से है जो चाइना में जो हुआ, यहीं से ब्रिक्स शुरू हो जाता है, BRICS, साउथ अफ्रीका ऐड हो जाता है। पहले ब्रिक था, तीसरा समिट से 2011 से ये पांच देशों का समूह बन जाता है। फिर उसके बाद टोटल चलता है अभी तक 2020 तक 12 ब्रिक्स समिट हो चुका है। ये जो हमारा 2020 का है ये 12 नंबर वाला ब्रिक्स समिट है। भारत सिर्फ दो बार ब्रिक्स समिट के लिए आयोजन कर चुका है, एक है 2012 में, दूसरा है 2016 में, और 2021 में भी ब्रिक्स समिट का आयोजन भारत ही करेगा, 2021 का ये। तो ये टोटल रहा कि अभी तक टोटल 12 हो चुका है, भारत 2012 और 2016 में ये कर चुका है। तो देखते हैं ब्राजील कब कब किया। ब्राजील 2010 में, फिर आया कि हमारा 2014 में, फिर 2019 में, तीन बार ब्राजील ये आयोजन कर चुका है। हमारा चाइना को देखेंगे, चाइना है कि हमारा 2011, फिर आया कि हमारा 2017, इन दोनों में चाइना भी ये आयोजन कर चुका है। तो ऐसे करके टोटल जो बोलते हैं कि 12 हुआ है। अगर हम ये देखेंगे, पहला सबमिट देखिए रूस में हुआ था, और 2020 का जो हो रहा है ये भी रूस में हो रहा है, और 2021 में जो होगा वो इंडिया में होगा। करंट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे 2020 का ब्रिक्स सबमिट कहाँ पे हुआ था, वो है कि रूस, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है, लेकिन ये रूस ही आयोजन कर रहा है। तो ये है अभी तक अगर जो बोलते हैं कि हम ब्रिक्स समिट के बारे में जब बात करते हैं, ये ब्रिक्स समिट है क्या, इसका काम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ब्रिक्स का इंपॉर्टेंट भी क्या है। ब्रिक्स जो पांच देशों का समूह है, ये पूरा ओवरऑल वर्ल्ड के 41% पॉपुलेशन इन्हीं कंट्रियों में रहते हैं, जो कि करीबन 3.21 बिलियन पॉपुलेशन है इन पांच कंट्री में। जैसे कि देख लीजिए, एशिया का सबसे दो बड़ा कंट्री चाइना एंड इंडिया, जो कि पॉपुलेशन में नंबर 1 एंड नंबर 2 में। अगर हम देख लेते हैं दक्षिण
दक्षिण अमेरिका का, ये है ब्राजील। फिर हम देखते हैं कि हमारा साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा है कि इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे तो साउथ अफ्रीका। और आता है कि हमारा एशिया का और एक बड़ा कंट्री जो कि रसिया भी है। तो एरिया पॉपुलेशन इनके तौर पे देखा जाए तो ये लोग वर्ल्ड के 27% लैंड पे कवर करते हैं, ये पांच कंट्री। और टोटल पॉपुलेशन का जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, 41% पॉपुलेशन इन पांच कंट्रियों में से ही है। ये पांच कंट्री वर्ल्ड के जीडीपी को 23% देते हैं। वर्ल्ड में जो जीडीपी टोटल 100% से 23% इनका योगदान है। इन इन कंट्रियों में से ही वर्ल्ड का जीडीपी इतना होता है। वर्ल्ड ट्रेड में 17% योगदान इन कंट्रियों का है। तो ज्यादातर इन पांच कंट्रियों में अगर देखा जाए, हाफ ऑफ द वर्ल्ड फॉरेन एक्सचेंज एंड गोल्ड रिजर्व भी इन्हीं कंट्रियों के पास है। 50% गोल्ड रिजर्व एंड फॉरेन एक्सचेंज इन्हीं कंट्री के पास है। तो ये लोग एक ये किए, ब्रिक्स समूह बनाए और उसके लिए ये लोग ये किए, काम किए। तो ब्रिक्स एक्चुअली, जब ये सब आ जाता है फाइनेंस के ऊपर, फिर फाइनेंस के ऊपर जब हम बात करते हैं, ब्रिक्स के फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में दो ब्रांच होते हैं। पहला ब्रांच है कि हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि आजकल के डेट में ज्यादातर क्वेश्चन आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ पे है, और दूसरा है कि दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारा कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, जो कि फोर्टलेजा डिक्लेरेशन के तहत ये बना था। तो आज के डेट में ब्रिक्स का दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, दूसरा है कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में आप सुनते होंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, जिसे कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता है, जो कि हेडक्वार्टर शंघाई है। और हमारा जो कि पहले पहले जो इनके चेयरमैन थे, हमारे भारत के थे केवी कामत, जो कि 2015 से 2020 तक रहे, और आज के डेट में 2020 से हमारा मार्कोस पर्डो ट्रोइजो, जो कि ब्राजील के हैं, ये आज के डेट में ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसके चेयरमैन हैं। तो ये जब हम बात करते हैं, ये बना कब था, ये 2014 में, ये जब सिक्स ब्रिक्स समिट हुआ था, उस वक्त पे जब सिक्स ब्रिक्स समिट ब्राजील में हुआ, उस वक्त ये बोला गया कि नहीं, हमारे लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी चाहिए इन सबके अलावा भी। तो मिलके उसमें दो चीज निकला, फोर्टलेजा डिक्लेरेशन हुआ, जो ब्राजील का फोर्टलेजा है वहीं पे डिक्लेरेशन हुआ, उसके तहत कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट और न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये दोनों 2014 को डिसाइड होगा। लेकिन ये एक्टिव में आए 2015 में, 2015 में ये एक्टिव में आए। ओवरऑल ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में चाइना का जो कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है, एक्चुअली कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट क्या है, ये पांच कंट्री कुछ कुछ पैसा रखेंगे, और एक जो बोलते हैं, जब एक जरूरत के वक्त पे कौन कंट्री कोई कंट्री कितना निकालेगा, इसके ऊपर डिसाइड होता है। तो फुल अगर देखा जाए कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट में चाइना का 40% हिस्सेदारी है। तो यही रहा इन दोनों का। फिर आता है ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये लोग डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, डेवलपमेंट प्लान के ऊपर ये लोग काम करें, जैसे सोशियली हो, इकोनॉमिकली हो, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करें। पहला इकोनॉमिक कॉपरेशन करें, मतलब कि इकोनॉमिकली ये लोग कॉपरेट करें इन दोनों के साथ, पीपुल टू पीपुल एक्सचेंज, मतलब कि स्पोर्ट्स हो, कल्चर हो, इन सब के भीतर जो बोलते हैं पीपुल टू पीपुल एक्सचेंज करें। पॉलिटिकली एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी के लिए सिक्योरिटी कॉपरेशन, इसके लिए काम करें। कॉपरेशन मैकेनिज्म, मतलब कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी ये लोग काम करें, ये इनका ब्रिक्स कंट्री का ऑब्जेक्टिव है। और सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर ये लोग काम करें। इंडिया का इसमें जो बोलते हैं बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि हम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे, ग्लोबल इशू के क्षेत्र में हमें मदद मिल जाएगा, एनएसजी में मेंबरशिप के लिए जो बोलते हैं हमें हेल्प हो जाएगा, इंटरनेशनल टेररिज्म के क्षेत्र में हम काम कर पाएंगे अच्छे से, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेंगे, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर काम करेंगे, ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन, ये है कि इंडिया का भी एक जो बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू है। टोटल जो कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट ये है, ब्राजील 18 मिलियन US डॉलर यहाँ पे रखा है, चाइना 41 मिलियन US डॉलर, और इंडिया भी 18, रसिया भी 18। ब्राजील, इंडिया, रसिया 18 18
बिलियन यूएस डॉलर, लेकिन चाइना 41 बिलियन यूएस डॉलर और साउथ अफ्रीका 5 बिलियन यूएस डॉलर रखा है। तो इसमें जो बोलते हैं जो वोटिंग राइट्स होता है, सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स चाइना के है कॉन्टिजेंटी रिजर्व अरेंजमेंट में, जो कि 39.95% वोटिंग परसेंटेज है। और बाकी सभी कंट्री के अगर देखें, क्योंकि सब सेम दिए हैं, चाइना रूसिया का 18.10, इंडिया का भी 18.10 और हमारा ब्राजील का भी 18.10 और साउथ अफ्रीका का 5.75। ये है कि वोटिंग राइट्स, यहाँ से पैसा निकालने के लिए इस जो बोलते हैं कि ज्यादा अगर 50% से ज्यादा होगा इसी के तहत पे ये लोग पैसा निकाल सकते हैं कॉन्टिजेंटी रिजर्व अरेंजमेंट। ये कॉन्टिजेंटी रिजर्व अरेंजमेंट ये फोर्टलाइजा डिक्लारेशन जो कि उस वक्त सिक्स ब्रिक्स समिट के वक्त पे डिक्लेयर हुआ था, इसके तहत ये आया था। ये है पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा डिटेल्स। थैंक यू।